हाजिर जवाबी एमडी अजूबा कपिल एज सेनापति, सरगुन एज क्वीन और हमारा नया टैलेंट मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। महाराज, दुश्मन देश ने हम पे हमला कर दिया। महाराज, महाराज, ओह माय गॉड, अक्षय कुमार सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। ये सब बोला होगा सब लोगों ने आगे, मैं सच में फैन हूँ। बिकॉज एक्टर के साथ साथ आपकी फिटनेस बढ़ी है। आप रोज सुबह 4 बजे उठ के जॉगिंग करने जाते, राइट? ये जॉगिंग वॉगिंग का बहाना आता है, जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा हो ना, नींद वैसे ही कम आती है। सर आपने ब्लैक बेल्ट भी है ना? ब्लैक बेल्ट इज द बेस्ट, बिकॉज किसी भी ट्राउजर के साथ मैच कर जाती है। फ्रेजी कैसे आप? मैं आपका तो इतना ज्यादा फैन हूँ ना, कोई भी आए हम सबको बोलते हैं, बट आपका दिल से फैन हूँ। मेरे को लोग बोलते थे, कहते परेश जी बहुत बड़े आदमी, पहले मैं नहीं मानता था, फिर मैंने हेरा फेरी देखी, फिर मेरे को यकीन हुआ। मैंने कहा जो बंदा अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को किराए पे रख सकता है वो बड़ा ही अंदर आदमी होगा। मतलब मेरे को जो फील होता है, मैं बातों बातों में भूल गया सर जी, हमारे राज्य पे दुश्मनों ने हमला कर दिया है, लेकिन हमारा महाराज इतना लड़की आदमी है, 460 रानी है उसकी, अभी भी दिल नहीं भरा उसका। कल एक नाचने वाली आई, उसको देख कह रहा था इसको हम अपनी रानी बनाएंगे। अब मैंने कहा ध्यान से देख, तेरी खुद की बीवी है वो। महाराज जल्दी आइए, उन्होंने जाना भी है। महाराज, महाराज की जय प्रदा हो। जय प्रदा, लेकिन वो तो हमें पसंद नहीं। तो इस उम्र में क्या आपको जैकलिन फर्नांडिस लाके दे महाराज? महाराज आपको शायद पता नहीं है, दुश्मन देश ने हमारे ऊपर फिर से हमला कर दिया है। अच्छा, हाँ। ये दुश्मन हम पर बार बार हमला क्यों कर देता है? मैंने भी यही बात जाके पूछी, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की? तो बस फिर क्या बोले वो? कुछ नहीं, ये देखिए। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ तुम्हारे सीने पे तीर नहीं लगे, वरना तुम तो वहीं मारे जाते। कैसे मारे जाते महाराज? मैंने तीर प्रूफ जैकेट पहन रखा महाराज। अरे लेकिन किस काम का, ये तो तुमने पीछे पहना है। महाराज अपनी कैपेसिटी का पता होता है, मेरे को जब पता मैंने भागना ही है तो मैंने उस हिसाब से जैकेट पीछे बांधा हुआ है। सेनापति, हम दुश्मन पर पहला हमला क्यों नहीं करते? दुश्मन ही पहला हमला क्यों करता है? महाराज क्या करना, पहले हमला करके पहल भी करें फिर हारें भी, बदनामी होती है। और वैसे भी हमारी फौज में है क्या 50-60 बड़े बड़े लोग रखे आपने, उसमें से भी 10-12 लोग छुट्टी पे गए हैं। जंग के टाइम पे 10-12 लोग छुट्टी पर? जी महाराज, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। महाराज अर्जेंट था, उन सबकी बीवियों को बच्चे होने वाले हैं। बच्चे? जंग के टाइम पे सबके घर में एक साथ बच्चे? जंग तो आज लगी महाराज, सारा साल सैनिक फ्री रहते हैं, घर पे कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप भी कमाल करते रहते हैं। तुम्हारे पास दुश्मन से बचने का कोई उपाय है? महाराज एक काम करें, हाँ, ये खिड़की में से नीचे छलांग लगा दें आप। ठीक है, यहाँ नीचे तो खाई है। महाराज ओवर एक्टिंग ना करें, अगर हंसना है तो एक ही लाइन पे हंस देंगे, नहीं हंसेंगे तो ऐसे भी नहीं हंसेंगे। क्या नीचे? नीचे तो खाई है। खाई है तो आप चिंता ना करें, खाई में हमने मगरमच्छ छोड़े हुए हैं, वो ऐसे मुंह खोल के आपको कैच कर लेंगे। और अगर के छूट गया तो? तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कौन सा नाश्ता किया है, खा लेंगे महाराजा चिकन बर्गर। सेनापति हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। महाराज इतने बड़े महाराज हो गए, आपको इतना नहीं पता कि जब ऑडियंस ताली बजा रही है डायलॉग नहीं बोलना, दोबारा बोलिए। सेनापति क्या है? हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक पसंद नहीं, मिमिक्री चाहे जितनी मर्जी करा लो, मजाक करने के लिए मैं जो रह गया हूँ। सेनापति इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महारानी की जय अब शायद ही कभी हो। बकवास क्यों कर रहे हो सेनापति? आप नहीं जानती महारानी, दुश्मन देश ने हम पे दोबारा हमला कर दिया है। क्या क्या दुश्मन देश बार बार हम पे हमला क्यों करते हैं? आप दोनों साथ में एंट्री ले सकते, बार बार बताऊं सबको मैं। हरे यहाँ से सेनापति जी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे और महारानी के लिए कोई एकांत जगह की व्यवस्था करो। एकांत जगह? दुश्मन ने हमला किया, इनको चुम्मा चाटी की पड़ी है, आप कैसे महाराज है? महाराज आपकी इजाजत हो तो जस्ट एज ए यंगर ब्रदर कहना है किस महारानी ऐसी जस्ट। ये क्या बकवास कर रहे हो? देखिए महाराज वैसे भी दुश्मन आ जाएगा, आपसे ज्यादा तो महारानी प्यार है, थोड़ा रहिए इधर। देखिए महाराज दुश्मन आएगा, हमला करेगा, हमें हरा के वैसे भी महारानी ले जाएगा, पर मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है कि इससे पहले कि ब्रेड खराब हो जाए उस पर जैम लगा के खा लो। अरे ऐसे कैसे कोई महारानी को ले जाएगा? सेनापति क्या है, हम चाहते हैं कि तुम दुश्मन से युद्ध करो। तो मैं क्या 8 घंटे उनके साथ लूडो खेल के आऊँ? क्या बातें कर रहे हैं आप? हटिए, एक्चुअली मेरा पत्थरी का ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो मैं आपको मना नहीं करता, मेरे क्या जाता 2000 मुक्के खाने में, मैं भी चला जाता आपके साथ। सेनापति जी, अगर हमें पता होता कि तुम इतने बड़े कायर हो तो हम तुम्हारे चाचा के कहने पर कभी तुम्हें सेनापति नहीं बनाते। तो हमें भी लगा था कोई क्लरिकल जॉब होगी, टेबल पे बैठूंगा, एसी ऑफिस होएगा, कैलकुलेटर होएगा, मेरे को कैलकुलेटर तो दूर, मेरे को तो आप वेंटिलेटर पे लेके जाने की बातें कर रहे हैं महाराज। अच्छा जब तलवारबाजी का अभ्यास करते हो तब तो बड़ी बहादुरी से लड़ते हो। महारानी अभ्यास की बात और होती है, अभ्यास की बात कर रही, रिहर्सल तो आप ही बड़ी अच्छी करती, इधर आके बेड़ा कर होता कि नहीं होता।
खा जाती है। सेनापति जय महाराज। हमें लगता है कि हमें ही दुश्मन से लोहा लेना होगा। महाराज वो दुश्मन है बंगाल वाले ना, जिनसे लोहा लेंगे आप। पर क्यों लोहा लेंगे, उनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी तलवारें, आपके कमंडल भी छीन के लेके जाएंगे। अरे बेवकूफ, हम कहावत कह रहे हैं, मतलब हम दुश्मन से लड़ेंगे। तो ऐसे कहिए ना, दुश्मन ने हमला किया, आप कहां पे बोल बोल कंफ्यूज कर रहे हैं। महाराज आप इसे छोड़िए, हम आपके साथ चलेंगे दुश्मन से लड़ने। देख औरतों को तो बहाना चाहिए लड़ने का। आपको पता नहीं है वो बड़े खतरनाक आदमी है। आप एक काम करें, आप इधर रुकिए, पहले महाराज को मर जाने दें, आपके लिए चूड़ी तोड़ने का फंक्शन अलग से रखवा देंगे हम। महारानी इसकी बात छोड़ो, ये कायर है, हम दुश्मन से मुकाबला करके आते हैं, तुम अपना ख्याल रखना और हमारी विजय के लिए प्रार्थना करना। यलगार हो, यलगार हो। थोड़ा म्यूजिक दे। महाराज की एग्जिट हुई है। मर गया महाराज, मर गया, मर गया, मर गया, बुड्ढे का हैप्पी बर्थडे हो गया। नहीं महारानी, आप क्यों आंसू बहा रही हो उस ठरकी बुड्ढे के लिए? अच्छा जब सामने था तो महाराज, अब बुड्ढा। देखिए महारानी, आपको शायद पता नहीं है, आपके अलावा महाराज की 460 रानियां और थी। 460 रानियां? जी, इतनी बीवियां, मरेगा तो था ही वो पहले ही। मैं तो कहता महारानी शुक्र करो हमारी इज्जत बच गई, बुड्ढा जंग के मैदान में मरा, अगर कहीं बेडरूम में मर जाता नाक कट जाती हमारी। सेनापति वो तो ठीक है, अब महाराज चले गए अगर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो? आप चिंता ना करें महारानी, अगर दुश्मन आप पे आक्रमण करेंगे उससे पहले मैं ही आप पे टूट पड़ूंगा। मेरा मतलब मैं, आप फिकर ना करें महारानी। सेनापति, अगर अपने बाप की औलाद है तो बाहर निकल। ये कौन है? दुश्मन देश, सेना अंदर आ गई। सेनापति, अगर अपने बाप का बेटा है तो बाहर निकल। आई एम मम्मस बॉय, कांट कम आउटसाइड। काहे कहेंगे, दो अपनी तलवार, मैं लड़ूंगी उससे। तलवार तलवार आप लड़ दो फिर, ये लो ये लो। ये कैसी तलवार है? ओ मैंने कल ही खरीदी, 6-7 महीने अपने पास रखो, बड़ी हो जाएगी। दुश्मन आ गया। कहाँ है कायर, बाहर निकल, कहाँ है? ए, कौन है तू? मैं एसपी। एसपी? एसपी मतलब? सेनापति। और तुम? मैं डीएसपी। डीएसपी? हाँ मतलब दुश्मन सेनापति। मैं तुझे बंदी बनाने आया हूँ। क्यों? कहाँ भाग रहा है? क्यों बंदी बनाने आया? मैं बंदा अच्छा लगता है, मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? अबे मेरे कहने का मतलब, या तो मेरा गुलाम बन जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। महारानी, महारानी जय करो। कायर कहीं के, हम शूरवीरों के परिवार से हैं, हाँ हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। यहाँ कौन देख रहा है, झुका लो, 2 मिनट बच जाएंगे। हमारी शान में गुस्ताखी। हाँ महाराज, एक काम करिए, इनकी गर्दन उड़ा दीजिए और मैं आपका गुलाम बनने को तैयार। अच्छा तो बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे माफ कर दे और इनकी गर्दन उड़ा दे। गद्दार कहीं के, गद्दार क्या कहा है तूने मेरा? एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम, खून का बदला खून, नमक का बदला नमक, 4 रुपए का पैकेट लेके मुंह पे मारूंगा मैं आपके। हाँ नमक के चक्कर में क्या जान दे दे हम अपनी। देखिए महारानी, एक फायदा है, आप जान दे देंगी, मेरी जान बच जाएगी, मेरी जान बचेगी, चैनल के पैसे भी बचेंगे जो आप पे खर्चा हो रहे हैं, और चैनल के पैसे बचेंगे और आने वाले हफ्तों में हम जितने भी एक्ट करने वाले हैं वो भी बच जाएंगे। मैं तो कहता हूँ महारानी की गर्दन उड़ाओ। थैंक यू। अक्षय कैसा लगा आपको ये एक्ट? अरे कमाल है, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया। कितने नेचुरल हैं आप लोग सब, और क्या लिखाई है। I've really enjoyed this act. Thank you, sir. Thank you. I would like to just clap for you all and applause for them. परेश जी क्या कहेंगे आप? मैं कपिल भाई साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you. You are wonderful artist. You are a superlative talent. Thank you, sir. आप भी मुबीन साहब, very good. मैडम आप भी wonderful. सोहेल। कपिल मेरे भाई, for you. अरे thank you, sir. Thank you so much, भाई. कपिल मेरे भाई, जो आपकी जगह है इस मंच पर, इस शो पर, वो कोई हिला नहीं सकता। फॉर यू कपिल वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब स्कोर्स हो जाए, अर्चना विल स्टार्ट विद यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।